बन के आइए, भगवान दिल से लगाने को तैयार है। आप नैतिक बन के आइए तो सनातन धर्म स्वीकार करने को तैयार है, और उपद्रवी बनेंगे तो दंडित होंगे। हमारे यहां बिल्कुल भी जाति को लेके भेद नहीं था, बिल्कुल भेद नहीं था। ये जाति एक व्यवस्था थी। अब व्यवस्था तो किसी भी समाज को चलाने के लिए चाहिए ना। जैसे कुछ भाई पादुका संभालने की सेवा कर रहे हैं, कुछ भक्तजन हमारे साथ संगीत की सेवा कर रहे हैं, कुछ कैमरा चलाने की सेवा कर रहे हैं, आप श्रवण की सेवा कर रहे हैं। कोई कहे कि जो पादुका संभालने की सेवा कर रहे हैं उनको मंच पर बिठाना चाहिए, और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या साउंड सिस्टम चला रहे हैं उनको पादुका संभालने वाली सेवा की जगह बिठाना चाहिए, ये तो भेदभाव है। तो यदि ऐसा किया तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। जो कोई पादुका संभाल रहे हैं वो हेय है क्या? नहीं, वो हेय कैसे हो सकते हैं? उनकी कितनी उदारता है कि वो सब भक्तों की पादुका संभाल रहे हैं, पर उनको वहां बैठना है, इनको यहां बैठना है, इनको यहां बैठना है, ये भेदभाव नहीं है। जो आगे बैठे हैं वो नीचे बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ सोफे लगे हैं, ये भेदभाव बिल्कुल नहीं है। इसको व्यवस्था कहते हैं, और ये व्यवस्था न हो तो सत्संग हो पाएगा क्या? अव्यवस्था हो जाएगी। तो हमारे आचार्यों ने जो जाति की व्यवस्था की थी वो समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसलिए थी, उसमें बड़े और छोटे की भावना नहीं थी। यदि कोई जाति हेय होती तो पहला प्रश्न है, हमारे रघुनाथ शबरी की कुटिया पे जाती क्या? यदि सनातन धर्म में भेद होता, श्री राम शबरी की कुटिया में जाते, शबरी के झूठे बेर खाते, केवट की नौका में चढ़ते, गुहराज को गले लगाते, वानर भालुओं को अपने से ऊंचा स्थान देते? नहीं। ये भेद वोट के भूखे लोगों ने पैदा किया, जो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज एकजुट रहे, वे चाहते थे बिखरा रहे समाज। क्योंकि ये एकजुट हुए तो पार पाना कठिन होगा, तो इनको वर्गों के नाम पर, जाति के नाम पर भेद पैदा करो। ये दिमाग में डालो कि चतुर्थ वर्ण को तो सनातन धर्म में ही ये माना गया है, ये बहुत निकृष्ट हैं, ऐसी गलत फहमी माथे में डालो। और उन्होंने ये किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि चौथे वर्ण का सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ। ये परिणाम प्रथम वर्ण का भी खूब हुआ और चतुर्थ वर्ण का भी खूब हुआ, ये भेद डाला गया। पर हमारे शास्त्र तो कुछ और कह रहे हैं। आज बड़ी कठिनाई है, वाल्मीकि जी को मानने वाले वाल्मीकि जी को तो मानते हैं, पर वाल्मीकि जी के इष्ट श्री राम को मानने में उनको कठिनाई है। रैदास जी को मानने वाले रैदास जी को तो मानते हैं, पर जो रैदास जी जीवन भर जूता गाट के राम राम रट के रोते रहे, उन राम राम रटने में उनको तकलीफ है। कबीर जी को मानने वाले कबीर जी को मानते हैं, पर जिन कबीर जी ने श्वास श्वास में राम राम रटा, उन सीता राम जी से उन्हें परहेज है। हमको तो लगता है यही कलयुग है, और ये चोरी डकैती ये सब काम तो पहले युग में होते थे, पर शायद धर्म में इतनी मिलावट पहले नहीं हुई थी। हमको तो लगता है ये कलयुग है, यहां अर्थ का अनर्थ किया जाता है, व्यवस्था की अव्यवस्था की जाती है, ये अफवाहों का युग है। अभी कुछ समय से भारत में
कैसा उपद्रव मचा है, एक बेवकूफी, एक मूर्खता, कोई विषय नहीं, कोई विवाद नहीं, पर सड़कों पे उपद्रव, एक एक मूर्खता, एक एक नासमझी। और संसार में कुछ लोगों को अफवाह फैलाने में आनंद आता है, केवल एक अफवाह कि यहां जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, इसी बात पर विवाद। कोई उस कानून को भी पढ़ने को तैयार नहीं, जो लोग अवैध रूप से घुसे हैं उनको तो बाहर निकालना हर भारतवासी का कर्तव्य है। भारत में जितने साधन बढ़ते हैं उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है, इसलिए साधनों का अभाव होता है। पर ना समझी और उसके पीछे फिर उपद्रव, पूरे देश को, समाज को सिर पे उठाकर और अनैतिक काम करना, यही कलयुग है। ये कलयुग अफवाहों का युग है। यहां अफवाह हजार बार अच्छी बात बताइए तो समझना भारी, पर एक बार किसी गलत बात का प्रचार कर दीजिए तो आग की तरह फैलेगी वो। अफवाहों का युग है। पर भगवान तो कहते हैं मानव एक भगति करण आता, कोई रसखान बन के आता है तो यहां तो हृदय से लगाया जाता है उनको। अरे कोई मुमताज बेगम यदि कृष्ण की दीवानी बनती है तो गोपाल उसको दर्शन देते हैं। कोई काले खां यदि मदन मोहन जी को देख के मोहित होता है तो मदन मोहन उसके हाथ का भोग ग्रहण करते हैं। कोई रहीम, यदि कोई यवन रहीम बनता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसको हृदय से लगाते हैं। यहां सबका स्वागत है। क्यों? क्योंकि राम जी कह रहे हैं मैं मानव एक भक्ति करना, मैं भक्ति के नाते को मानता हूं, पर उपद्रव होगा तो दंड भी मिलेगा। तो जितना बिखराव वो आधुनिक है, वो वोट के भूखे लोगों का फैलाया है, वो समाज को जिनको बांटकर कुछ मिलना था उनका किया काम है। हमारे शास्त्र तो एक बात कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। वर्ण व्यवस्था की अपनी महिमा है। रोटी में, बेटी में वर्ण व्यवस्था को देख के ही व्यवहार करना है। लेकिन इस भक्ति मार्ग में कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। इस विषय को भक्त माल जी में प्रतिपादित किया गया है। बंधुओं, इस भक्त माल में जितने आदर से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का चरित्र कहा गया है, उतने ही आदर से किसी चर्मकार कुल में उत्पन्न रैदास जी का चरित्र भी कहा गया है। इस भक्त माल जी में जैसे गौरांग महाप्रभु जी का चरित्र कहा गया है, उसी प्रकार अपने आप को जुलाहा कहने वाले कबीरदास जी का चरित्र कहा गया है। अरे भक्त माल जी में बाल बनाने वाले नाई सेन जी का चरित्र कहा गया है। अरे कसाई सदना जी को प्रणाम किया गया है। यहां भेद क्या है?